हाय एवरीवन, मैं हूँ जोया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर। दोस्तों, खजूर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसकी तासीर बेहद गर्म होती है, इसीलिए सर्दियों में खजूर खाने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि खजूर में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा खजूर कैलोरी, कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत होता है। खजूर में कॉपर, मैग्नीज, आयरन, विटामिन B6 होता है। वैसे तो खजूर को सीधे तौर पर भी खाया जा सकता है, लेकिन कई लोग खजूर का हलवा तो कई लोग लड्डू के रूप में खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो खजूर को दूध के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। रोजाना दूध और खजूर को एक साथ खाने से आपके शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। इससे आपको दूध और खजूर में मौजूद सभी पोषक तत्व एक साथ मिल जाएंगे। आप खजूर को दूध में भिगोकर खा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि खजूर को रात भर भिगोकर खाने के क्या फायदे हैं। अगर आप दूध में भीगे हुए खजूर खाएंगे तो इससे आपकी मांसपेशियों का तेजी से विकास होगा। खजूर और दूध में प्रोटीन होता है जिससे आपकी मसल्स ग्रेन हो सकती है। इसके साथ ही दूध में कैल्शियम और खजूर में मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूती देता है। यानी खजूर और दूध का कॉम्बिनेशन मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बना सकता है। इसके अलावा ये एनीमिया के लक्षणों को भी कम करता है। एनीमिया एक ऐसी समस्या है जिसे शरीर में खून की कमी होने लगती है। इस स्थिति में रोगी को थकान, कमजोरी जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप रोज़ रात को दूध में खजूर भिगोकर रख देते हैं और सुबह उठकर इसका सेवन करेंगे तो इससे आप एनीमिया के लक्षणों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको पाचन से जुड़ी कोई समस्या हो तो भी आप सुबह खाली पेट दूध में भीगे हुए खजूर खा सकते हैं। दरअसल खजूर में फाइबर ज़्यादा पाया जाता है जो आंतों को मजबूत बनाता है, मल त्याग को भी आसान बनाता है। खजूर खाने से पाचन से जुड़ी समस्याओं को काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। इससे कब्ज और गैस की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द से भी आपको राहत दिलाता है। दूध में कैल्शियम होता है, वहीं खजूर में मैग्नीशियम और विटामिन B6 पाया जाता है। ऐसे में आप अगर दूध में भीगे हुए खजूर खाएंगे तो इससे आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी। रोजाना दूध में भीगे हुए खजूर खाने से आप जोड़ों के दर्द से भी आप राहत पा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप दुबले पतले और कमज़ोर हैं तो आप दूध में भीगे हुए खजूर खा सकते हैं। खजूर में कार्ब्स, कैलोरी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो वेट गेन में मदद कर सकते हैं। वजन बढ़ाने की चाहत रखने वाले लोग रोज़ाना खजूर और दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना दूध में भीगे हुए खजूर खाएंगे तो आपको धीरे धीरे वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब सवाल आता है कि दूध में खजूर भिगोकर कैसे खाएं। खजूर को दूध में भिगोकर खाने से आपको अनियमित लाभ मिल सकते हैं। इसके लिए आप रात को एक गिलास गुनगुना दूध लें, इसमें 4 से 5 खजूर डालें और सुबह तक ऐसे ही छोड़ दें। आप सुबह उठकर इस दूध को उबालें और फिर खजूर को खा लें। आप इस दूध को पी भी सकते हैं। आप चाहें तो बिना उबाले भी दूध में भीगे हुए खजूर खा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।